दोस्तों आज मैं आपको इस 2 मिनट के वीडियो के अंदर 3 ऐसे नियम के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप गाड़ी चलाते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, आपके जेब से 1500 जा सकता है। तो चलिए आज मैं आपको फटाफट बता देता हूं इन नियमों के बारे में। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे गाड़ी के राइट साइड में 2 सॉलिड लाइन बना हुआ है। दोस्तों ये लाइन इसलिए बनाया जाता है कि जहाँ पे रोड पतला होता है गाड़ियों का आना जाना उसी रोड के ऊपर रहता है। जगह कम होने के कारण डिवाइडर नहीं बना सकते हैं दोस्तों, तो डिवाइडर की जगह पे ये 2 सॉलिड लाइन बनाया जाता है कि आप इन लाइनों को क्रॉस करके राइट साइड में नहीं जा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। जो लेफ़्ट साइड में ब्रोकन लाइन है इसको आप कट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड लाइन को कट कभी मत करना। अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम, आप इस ब्रोकन लाइन को देखिए, ये लाइन अभी सीधा चल रहा है, टैक्सी वाला गलत चल रहा है, ऐसा गाड़ी नहीं चलाना चाहिए लाइन के ऊपर। तो ये ब्रोकन लाइन जैसे ही सॉलिड लाइन होता है सिग्नल आने से 50 मीटर पहले ही, तो आप अपनी गाड़ी को देखिए यहाँ से शुरू हो गया सॉलिड लाइन, तो आप ऐसी जगह पर लाइन को कट ना करें, नहीं तो आपकी गाड़ी का फाइन बन जाएगा दोस्तों। ये है तीसरा नियम, अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ा करते हैं तो आपकी गाड़ी का चालान कट जाएगा। दोस्तों पहले इन बातों को ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से CCTV हो गया है, कैमरा लग गया है सिग्नल पे, तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।